नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए तेजी से एक नजर डालते हैं केपी एक्सप्रेस में कर्नाटका की आज की सुर्खियों पर। पाठ्य पुस्तक पंक्ति के बाद शिक्षा विभाग अंबेडकर बसवन्ना पर पाठों का पुनर्मुद्रण करेगा। उपिनंगड़े के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। कर्नाटका के पंचमसाली लिंगायत उप संप्रदाय ने कोटा की मांग की। 27 जून से सीएम बोम्मई के आवास पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। अनुबंध को अंतिम रूप दे, गड्ढों को तुरंत भरे, कर्नाटका उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु नागरिक निकाय को बताया। कर्नाटका पीएसआई भर्ती घोटाला, 3 नई प्राथमिकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी से और उम्मीदवारों की संलिप्तता का पता चला। हिजबुल मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड बेंगलुरु में गिरफ्तार। पाठ्यपुस्तक विवाद, कांग्रेस मामले के संदर्भ की बात नहीं कर रही है, केवल मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रही है, मंत्री बीसी नागेश ने कहा। बीबीएमपी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में जीएसटी सीमा शुल्क अधीक्षक को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि परीक्षण किए गए कोविड नकारात्मक, काम फिर से शुरू करेंगे। पीएम मोदी 20 जून को बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना की नींव रखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 जून से कर्नाटका के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर होंगे। सीएम बोम्मई ने संकेत दिया कि कोविड नियंत्रण उपायों पर निर्णय लिए जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एचडी कुमार स्वामी ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ दूसरी वरीयता के वोटों की पेशकश की। कर्नाटका में खाकी शॉर्ट्स जलाने वाली कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शुरू किया चड्डी इकट्ठा करने का अभियान। कर्नाटका ने एक्मे क्लिनटेक के साथ 51,000 करोड़ रुपए का माहिदा किया। कर्नाटका ने 6 से 14 वर्ष के अशिक्षित बच्चों में सर्व सर्वेक्षण शुरू किया। टिकैत पर हमला करवाने वाली मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार। कर्नाटका सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में अंबेडकर पर गलतियां मानी। पाठ्यपुस्तक विवाद को लेकर कर्नाटका के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश को बर्खास्त करना चाहिए, सिद्धरामैया ने कहा। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।